फर्ज कीजिए कि आपकी कंपनी में कोई एक लीडर है जिसको आप सुनने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे, और वो आता है और वो कुछ इस तरह से स्टार्ट करता है। हेलो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वोकल वेरिएशन क्यों करना है। आपको कैसा लगेगा, बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग? एग्जैक्टली। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी ऑर्डिनरी स्पीचेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं यूजिंग द पावर of vocal variation. So stay tuned till the end. As they say, it's not only about what you say but also about how you say. So हमारी स्टोरी टेलिंग में, स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में वोकल वेरिएशन वही काम करता है जो कि आपकी सब्जी में स्पाइसेस का। एग्जैक्टली, दिस इज द स्पाइस इन योर रेसिपी, स्पाइस इन योर स्टोरी टेलिंग। अगर आपको उसमें फ्लेवर ऐड करना है, अगर आपको उसमें डेप्थ ऐड करना है, अगर आप उसको अपने ऑडियंस को हुक करना है, तो यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग वोकल वेरिएशन। तो वही बात करने वाले हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ वोकल वेरिएशन विच विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पिच। पिच का मतलब होता है आप कैसे इम्फेसिस कर सकते हैं, कैसे आप उसमें अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टोरी बोल रहे हैं और आप कुछ इस तरह बोलते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ मैजिकल लैंड देयर लिव्ड अ स्मॉल गर्ल, शी वॉज वेरी टिमिड एंड शी वॉज स्केयर्ड टू ओपन द डोर। Now, अगर आप नोटिस करें तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था सेंटेंस, आई वॉज ऑन अ हायर पिच, आई वॉज पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट देयर, बट जैसे ही मैंने वो छोटी बच्ची की बात की, आई स्लोड डाउन, आई चेंज द पिच टू अ लोअर वन। एंड दिस इज वॉट हेल्प्स व्हेन यू हैव पिच। आप अपनी पिच को अपनी स्टोरी, अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने सीन के हिसाब से चेंज कर दो, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट इज द पिच। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, और सेकेंड वन है पेस एंड रिदम। जैसे आप गाड़ी चलाते रहते हैं और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और फिर स्पीड घटाते हैं, वैसे ही आप अपने पेस और रिदम का यूज करके अपने ऑडियंस के दिलों की धड़कन बढ़ा सकते हैं या फिर उन्हें स्लो डाउन कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं थ्री इडियट की ओपनिंग सीन की बात करता हूँ। सब कोई एयरपोर्ट में बैठ गए, सबने बकल अप कर दिया, एंड सडनली माधवन को एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन को रखने के बाद वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, वो अनबकल करने लगता है, लेकिन उस एयर होस्टेस कहती है कि नहीं नहीं मत करो, लेकिन फिर वो अनबकल करता है, कुछ अजीब सा बिहेव करता है जैसे कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, और उसके बाद प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, और धीरे से माधवन निकल के भाग जाता है। आपने नोटिस किया, मैंने जानबूझ के इसका पेस और रिदम बढ़ा दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट एन एक्साइटमेंट। सिमिलरली, जब आप अपनी स्पीच, अपनी स्टोरीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू आर चेंजिंग द पेस एंड रिदम बेस्ड ऑन द मूड ऑफ द सीन, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। दैट विल रियली हेल्प यू। सो दैट वॉज द सेकेंड थिंग दैट यू कैन यूज इन वोकल वेरिएशन, दैट इज पेस एंड रिदम। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, एंड दैट इज टोन एंड इमोशन। टोन एंड इमोशन आर सच अ क्लोजली नेट थिंग। एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है किस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्या आपका टोन है, कि आप अपने इमोशन को अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, वो गरीब लड़की जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसको नहीं पता था लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, जब तक उसको वो गुरु नहीं मिला। जब वो गुरु उसको मिला, उसने उसको बताया कि कैसे तुम स्कूल जाओ और आगे बढ़ो, एंड देन उसकी लाइफ सडनली चेंज हो गई। डिड यू नोटिस, जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस लड़की के बारे में बात कर रहा था, माई इमोशंस, माई टोन वॉज ऑन लोअर साइड बिकॉज आई वॉन्टेड टू कन्वे लिटिल बिट ऑफ सैडनेस। बट इवेंचुअली जब मैं गुरु और टीचर की बात करने लगा, स्कूल की बात करने लगा, आई चेंज माई टोन टू मेक इट लिटिल बिट मोर एक्साइटिंग। सिमिलरली, जब आप अपना स्पीच दे रहे हैं, आप अपना स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आप भी अपना टोन अपने इमोशंस के हिसाब से चेंज करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग इन दिस वीडियो विच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज द पंक्चुएशन एंड पॉजेस। जैसे कि आप जब राइट करते हो तो आपको सही जगह पे पंक्चुएशन, फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही जब आप स्पीकिंग कर रहे हो तो आपको पंक्चुएशन इन द फॉर्म ऑफ पॉजेस लगाने होते हैं।
इस पॉज को यूज करके आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो, आप अपने ऑडियंस को एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एज दे से, अ वेल प्लेस्ड पॉज कैन टर्न अ सेंटेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डिड यू नोटिस हाउ मेनी टाइम्स आई टुक द पॉज एट वॉट डिफरेंट प्लेसेस? आई टुक अ पॉज व्हेन आई सेड अ वेल प्लेस्ड पॉज, आई टुक अ पॉज व्हेन आई सेड अ सेंटेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी, and I took a pause after I said extraordinary. What happens when you take a pause? Your audience gets a chance to relax, gets a chance to reflect and respond. तो बहुत ही जरूरी है ये स्किल कि पॉज कहाँ करना है और कैसे करना है. So there you have it, my friend, my storytellers, my speakers. ये जब चीजें आप मास्टर करते हो वोकल वेरिएशन की, जब आप मास्टर करते हो कि पिच कैसे करना है, पेस कैसे करना है, रिदम कैसे लाना है, कैसे उसका टोन और इमोशंस को यूज करना है और कैसे सही जगह पे पॉजेस को अप्लाई करना है, योर स्टोरीज गो फ्रॉम बीइंग एन ऑर्डिनरी स्टोरी टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी. कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऐसा वोकल वेरिएशन का एस्पेक्ट है जिसपे आप अभी काम कर रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं. आई वुड लव टू हैव दोज. एंड एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. दिस इज कोच हरितोष श्रीवास्तव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.